इन्हें कहते हैं अवसाद। और प्रायः आजकल की जो यंगस्टर है, आजकल की जो नई पीढ़ी है, युवक युवतियां, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसमें उस तथाकथित मनोरोगी को, व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि इस धरती में मेरा कोई नहीं है। वो जीवन से सर्वथा निराश, हताश, उदास, उसे लगता है कि जीवन के सारे रंग फीके हो गए, इस धरती में मैं जी के क्या करूंगा, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ इस घर में, ना कोई मेरी माँ है, ना पिता है, ना कोई प्रेमी है, ना प्रेमिका है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ये सब लोग स्वार्थी हैं और एक मैं ही होशियार चंद। कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी क्यों ना हो, बक्सर का एक डीएम अभी कुछ ही दिन पहले डिप्रेशन में आके सुसाइड किया उसने दिल्ली में जाकर। ये भारत के राष्ट्रीय समाचार पत्रिकाओं में सबने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। सोचिए, भारत का सबसे बड़ी परीक्षा पास करने वाला भी अवसाद से ग्रसित, डिप्रेशन से ग्रसित है। आखिर इसका उपचार क्या है? तो बहुत सरल उपचार है। डिप्रेशन से बचने का एक ही उपाय है कि जब मन को यह समझाओ कि मेरा कोई नहीं है, जिस प्रकार कोई बर्तन है, आप एक बर्तन ले लो और ये बोलो इस बर्तन में कुछ नहीं है, ये असंभव है, ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई बर्तन आज तक नहीं बना जिसमें कुछ ना हो। जैसे कोई घड़ा ले लो और घड़ा बिल्कुल खाली हो और बोलिए घड़े में क्या है, बोले कुछ नहीं है। अरे मूर्ख, जब कुछ नहीं है तो उसमें आकाश है, उसको घटाकाश कहते हैं। जब घड़े में कुछ नहीं है तो घड़े में आकाश भरा है। ऐसे ही जब तुम्हें लगे कि मेरा कोई नहीं है, उस समय तो जिंदा है ना, तो आत्मा भीतर है ना, वो आत्मा कौन? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। उस समय ईश्वर का तू अंश है। जब तेरे साथ कोई नहीं है, नारायण तेरे साथ खड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तू जानता नहीं है, इस अज्ञान में लटक के मर जाता है। तो क्या भूत बनने के बाद चैन मिलेगा? अकाल मृत्यु में भूत प्रेत बनोगे तो बहुत से भूत मिलेंगे तुम्हें। अरे मन को समझाओ कि संसार में जब मेरा कोई नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। ये नकली दुनिया, नकली स्वार्थ वाले मेरे नहीं है, असली नारायण मेरे साथ है। प्रभु अब मैं तेरा, तू मेरा। मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, अनुभव ये करते चलो तज ममता अभिमान। ममता और अभिमान को छोड़कर भगवान को बोलो प्रभु आप मेरे हो, और जो मेरा है वो कैसा है? वो सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, आनंद का महासागर। एक बूंद आनंद की वर्षा मेरे जीवन में कर दो तो भगवान का नाम क्या लोगे? जो डिप्रेशन के मरीज हो, जो डिप्रेशन के शिकार हो, वो चलते फिरते, मैं दो नाम बता रहा हूं, दोनों में से एक छात्र। एक नाम है योग सार तंत्र में भगवान शंकर स्वयं ये नाम बता रहे हैं, महोत्कटाय नमः। ओम महोत्कटाय, महाधन उत्कट, दोनों को जोड़ दो। महा माने विशाल और उत्कट माने आनंद की चरम स्थिति। आनंद की चरम स्थिति को उत्कट कहते हैं। तो हे आनंद की परम स्थिति को प्राप्त हे सच्चिदानंद, आनंद के महासागर में गोता लगाने वाले, एक बूंद आनंद मेरे जीवन में बरसा दो प्रभु। मुझे अनुभव हो जाए कि ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पुरुष मेरे साथ खड़ा है। तो काय का डिप्रेशन, मुझसे ज्यादा आनंद, मुझसे ज्यादा प्रसन्न चित्त रहने वाला आदमी धरती में कोई नहीं। डिप्रेशन दो दिन में गायब, चुटकी बजा के गायब। और दूसरा नाम ओम चेत प्रसाद काय नमः, रिकॉर्डिंग कर लो। ओम
चेत प्रसाद काय नमः चेत मेरी चेतना अंतःकरण और प्रसाद काय माने आनंद देना, प्रसाद माने प्रसन्नता, मेरे चित्त को प्रसन्न करने वाले हे नारायण।